नमस्कार प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप जान रहे होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों फिलहाल इस समय हम सीनरी में ही हैं और अब यहाँ से हम जर्नी बढ़ा रहे हैं। अष्ट विनायक गणेश जी का मंदिर है एक पास में ही कहीं, उधर ही अब चलेंगे दर्शन करने। फिलहाल हमारी रात्रि जो है, देखिए यहाँ पे एक होटल है, इसका नाम है न्यू रतन लॉजिंग बैंकेट हॉल। तो इस बैंकेट हॉल में हमारी रात्रि विश्राम हुआ था एक भैया की मदद से। फिलहाल ये अंकल जी है, रात में सिर्फ यहीं थे, इनकी ड्यूटी थी। और इसके बगल में ये होटल श्री सदगुरु है और ऊपर देखिए बैंक है इंडसलैंड का, और बगल में ये है। तो फिलहाल यहीं पे हमारी रात्रि विश्राम किए थे हम। और ऊपर सामने ही शिवनेरी फोर्ट भी है, ऊपर घूम के अलग जाना है 3-4 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तो, लेकिन सामने ही है। तो फिलहाल अब यहाँ से जर्नी गणेश जी के मंदिर की तरफ बढ़ाएंगे जो कि पास में कुछ दूरी पे है। दोस्तों फिलहाल सुबह का टाइम है, करीब 9 बज रहे हैं और लेनेद्री के पास गणेश जी का मंदिर है। थोड़ी निकल चुके हैं हम लोग, करीब यहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे। और जैसे रोड पे आए ये भैया हमें लिफ्ट दे दिए, यहीं के रहने वाले हैं, तो इनके साथ तेजी से हम मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। और सुबह भी है, ज़्यादा भीड़ नहीं है और धूप भी नहीं लग रही है अभी, तो आराम से पहुँचेंगे, आराम से दर्शन करेंगे। फिलहाल छोटी छोटी 2 लिफ्ट की मदद से बाइक की हम लेनेद्री के पास आ चुके हैं। दरअसल वहाँ से 6-6.5 किलोमीटर करीब था जहाँ से हम चले हैं। और ये लेनेद्री जो है, इस पर्वत का नाम है, देखिए इस पर्वत का नाम लेनेद्री है। और पर्वत को यहाँ की लैंग्वेज में डूंगर बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज में डूंगर बोलते हैं। और सामने बीच में कुछ गुफाएं भी दिख रही हैं। तो चलिए अब चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ चढ़ाई करनी पड़ेगी वहाँ पर चलने के लिए। ख्याल सीढ़ी के पास में ही एक दुकान है ये नींबू पानी की, ये भैया हैं दुकान के मालिक। तो यहीं पे हम अपना बैग रख दिए हैं, हम बैग रख दिए हैं तो वेट फ्री हो गए हैं, तो चढ़ने में इजी हो जाएगा पहाड़ी। प्रसाद लेकर चढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर खोया के मिठाई मिल रहे हैं, वही चढ़ाया जाता है, तो खोया के लड्डू हैं वही लिए हैं। अब चल रहे हैं ऊपर, देखने से तो ज़्यादा ऊपर नहीं लग रहा है लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में टाइम तो लग सकता है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पे टिकट भी लगता है जो कि 25 रुपये इसका रेट है, तो टिकट देखिए हम टिकट भी ले लिए हैं। टिकट लेने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है, क्योंकि ऊपर गुफाएँ उफाएँ भी हैं तो हो सकता है उसके लिए, और म्यूजियम भी यहाँ पर लिखा है, तो जो भी हो अब टिकट लेकर ऊपर चल रहे हैं। बहुत से लोग दर्शन करके आ भी रहे हैं। फिलहाल देखिए ये भाई लोग यहीं के रहने वाले हैं और ये सभी लोग दर्शन करके सुबह सुबह ही वापस आ गए यार। खूब जान वाटले एकदम भारी तू, और कैसे एक बार अवश्य भेज दे यार, कुछ कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया बंदा। फिलहाल कैसे हो आप लोग? अरे यार आप लोग क्या बोलो, बाउंस होकर निकलना है, बहुत बढ़िया। हाँ ये अच्छा है। अभी देखो ये लोग मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार मैं हिंदी समझने वाला बंदा और भोजपुरी और नॉर्मली इंग्लिश, अब मराठी लोग बोल रहे हैं ऐसे बाउंस होकर निकल जा रहा है। फिलहाल हम वो भी बाउंस वाइट जिसको देते हैं वो वाली हो रही है। खैर अच्छा लगा, फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मात्र 20 मिनट लगा हमें चढ़ाई करने में। चढ़ाई करके मंदिर के पास आ चुके हैं। ये मंदिर है, यहाँ पे स्कूली बच्चे भी आए हैं और यहाँ पे बंदर बहुत हैं, बहुत बंदर हैं, इनसे तो काफ़ी डर लग रहा है, कहीं फोन वोन बिना छीन के लेकर भाग गए हैं। तो चलिए पहले मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लेनाद्री डूंगर यानी यहाँ के पहाड़ को डूंगर बोलते हैं। तो लेनाद्री पर्वत में एक गुफा बनी है, इसमें गणेश भगवान का मंदिर है। और फिलहाल देखिए यहाँ की बनावट, बहुत पुरानी बनाई हुई गुफा है, हमारी आवाज़ गूंज भी रही होगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप पिलर जैसे ऊपर इन पहाड़ों में टच हुआ है, यहाँ पे हाथियों के चित्र चित्रित किए गए हैं, बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं।
आवाज़ काफ़ी गूंज रही है। आपने जो देखा वो तो फिलहाल गुफा थी और मेन मंदिर के पास अब आए हैं। ये देखिए मेन मंदिर का एक गेट है और अंदर गणपति जी का मंदिर है। फिलहाल इस पर्वत को काटकर बहुत बड़ी यहाँ पे गुफाएं बनाई गई है। ये गुफा बहुत बड़ी आप देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ इसके चारों तरफ साइड साइड में छोटी छोटी गुफाएं भी बनाई गई हैं। हम तेज़ नहीं बोल रहे हैं कि आवाज़ गूंजेगी, मंदिर है तो सही नहीं रहेगा। देखिए छोटी छोटी गुफा अंदर हैं, दरवाजे भी लगाए गए हैं और सामने तो मंदिर है ही। यहाँ से भी नीचे इसकी खूबसूरती यहाँ की दिखाई दे रही है, जो कि चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। दूर दूर घर और खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। और नीचे इसी जगह से हमने चढ़ाई स्टार्ट किया था और ऐसे ऐसे इस सीढ़ी उधर से होते हुए फिर यहाँ पे आती है। पहले गुफा पड़ेगा फिर ये मंदिर। तो फिलहाल हमने तो दर्शन कर लिया, अब यहाँ से चलेंगे नीचे। धूप सीधा लग रही है। इन पहाड़ों में आप जो ये गुफाएं देख रहे हैं बनी हुई, काफ़ी बनी हुई गुफाएं छोटी बड़ी, ये पहले के लोगों का जीवन इन गुफाओं में व्यतीत हुआ है, उसी के निशानियाँ हैं। तो फिलहाल ये यहाँ की खूबसूरती रही जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे लोग कुछ गुफाएं भी घूमते हैं और ज़्यादातर लोग इस गुफा में गणेश जी का मंदिर है, मंदिर में दर्शन करके चले जाते हैं। तो हम भी एक गुफा घूमे हैं और इस मंदिर में दर्शन किए, अब चलेंगे हम भी नीचे। फिलहाल आप देख ही सकते हैं नीचे काफ़ी हरियाली है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सामने ये वाला पर्वत जो है इसी पर सिनेरी फोर्ट है यहीं पर। बाकी नीचे देखिए हरियाली और खेती बहुत है यहाँ पर और दूर दूर घर, ये काफ़ी अच्छा लगता है हमें। अब यहाँ से हम अपनी जर्नी को नीचे बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे। नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बंदर हैं, आपको कुछ बंदर दो चार यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इन पहाड़ों पे इधर उधर बैठे हुए हैं सब। और देखिए यहाँ पे दो तीन लड़ रहे हैं तो इनसे बहुत डर लगता है, एक आवाज़ मारेगा सारे इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखिए इनका सरदार आ गया है, एक मुआयना कर रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल नीचे आकर हमने अपना बैग ले लिया है, अब यहाँ से हम जर्नी आगे प्रस्थान करेंगे ओझर। वहाँ पर भी एक गणेश भगवान का मंदिर है जो कि यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है। फिलहाल नीचे आकर रोडों पर ओझर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लिफ्ट का भी वेट कर रहे हैं। लिफ्ट मिल जाएगी तो जल्दी से पहुँच जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत कम चल रही हैं इधर, लेकिन रोड अच्छे हैं यार। तो अगर गाड़ी मिल जाएगी, कोई लिफ्ट मिल जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो टाइम की हमारी बचत हो जाएगी। खैर कोशिश यही है, देखते हैं क्या होता है। भाई इधर अंगूर की खेती बहुत की गई है, हम नीचे खेत में नहीं जा सकते क्योंकि अननोन जगह है, हमें पता नहीं है, इसीलिए रोड पर से दिखा रहे हैं। और शायद आपको अंगूर का फल नहीं दिख रहा होगा जबकि हमें दिख रहा है। तो बहुत अंगूर खेती की गई है इधर, काफ़ी है यार। और हम सोच रहे थे सस्ता होगा, कि सस्ता नहीं, वही महंगा 70-80 रुपये केजी मिल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों छोटी छोटी लिफ्ट की मदद से हम ओझर पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे अब गणेश जी का मंदिर है, उधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो कि हमारे पास ही में है। एक गांव एरिया है, हम समझिए कि 3-4 दिनों से जो जर्नी कर रहे हैं शिवनेरी की, यहाँ की ये सब गाँव का इलाका है, यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अपने जैसे मतलब जैसा अपने यहाँ फील होता है सेम वही यहाँ पे फील हो रहा है गांव फील्ड में, अच्छा लग रहा है यार। फाइनली दोस्तों मेन मंदिर के पास आ गए हैं और इस जगह का नाम है बिघ्नहर ओझर, कहते अष्ट विनायक मंदिर है गणपति जी का महाराष्ट्र में, तो उसमें से 5वां अष्ट विनायक मंदिर है गणेश भगवान का। फिलहाल मंदिर के पास आ गए हैं, यहाँ पे बैग रख दिए हैं और ये भैया जी हैं यहाँ के, ये लोग दुकान मालिक हैं, तो इन्हीं के पास अपना बैग रख दिए हैं, लगेज रख दिए हैं, तो आराम से जाएंगे दर्शन करेंगे, इधर ही से जाते हैं अंदर। फिलहाल अच्छी जगह लग रही है देखने से, तो अब चलिए अंदर चलते हैं, पहले प्रभु के दर्शन करते हैं। सामने रहा मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं। फाइनली हमने गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं,
हालांकि मंदिर में फोटोज और वीडियोज अलाउ नहीं है, हम मंदिर में नहीं लिए। देखिए मेन मंदिर ये है, मंदिर प्रांगण के अंदर आप आएंगे तो मेन मंदिर ये है और अंदर ही प्रभु विराजमान है। तो अंदर यहाँ से आप जाकर दर्शन करके हम इधर से बाहर आ गए हैं। ऊपर देख सकते हैं मंदिर का गुंबद है और काफ़ी लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आ रहे हैं। इधर कुछ लोग बैठे हैं और उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रतिमाएं लगी हैं, देखते हैं इसको भी। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पे हैं, जो कि पूरी तरह से शीशे से पैक किया गया है इनको। मंदिर में दर्शन करके सीधे चले आए भैया के पास अपना बैग लेकर जाने के लिए। तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे भंडारा चलता है, तो भैया बताएं यहाँ भंडारा चलता है, खाना खाए हमके खाना तो नहीं खाएगा, यहाँ भंडारा चलता है, 30 रुपये का कूपन मिलता है, चलो हम आपको लेकर दे रहे हैं। तो इन्होंने कूपन लेकर हमें दिया और बताए तो गए खाना खाए। और भाई साहब खाना बहुत अच्छे से लोग खिलाए, अच्छा खाना भी खिलाए, साफ सफाई भी काफ़ी अच्छी थी और टेबल अच्छा, मतलब व्यवस्था बहुत काफ़ी अच्छी थी। उस व्यवस्था के साथ अगर आप बाहर कहीं खाओगे तो हमारे ख्याल से 200+ की थाली मिलेगी आपको, शोर सी बात है। व्यवस्था काफ़ी अच्छा, खाना काफ़ी अच्छा, 30 रुपये में भरपूर। हम खाना खा के आ चुके हैं फिलहाल, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी मदद से यहाँ पे हम अपना बैग भी रख दिए थे और खाना भी खा लिया, हमें पता नहीं था। करीब 12:30 बजे तक दर्शन करके खाना वाना भी हम खा लिए थे, सब कुछ ओके हो गए थे। यहाँ से निकलने की तैयारी की, जैसे आगे बढ़े हमें सामने एक खूबसूरत पॉइंट दिखा, आप देख सकते हैं इधर ये मंदिर प्रांगण, इधर मेन मंदिर ये है और देखिए इधर ट्रस्ट की ज़मीनें हैं, इधर ट्रस्ट का उसमें भंडारा चलता है, उसमें बहुत बड़ा ट्रस्ट का सिस्टम है, रूम वूम है। और इधर बहुत बड़ा ये तालाब है, ये बहुत बड़ा तालाब है। तो हम इधर ही आ गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा था पॉइंट, इसके साइड साइड में पैदल पथ बनाया गया है और साइड में आप बैठ सकते हैं। तो हम यहीं पर अपना बैग रख कर और 2 घंटे से यहीं पर अपना टाइम व्यतीत करें, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें कहीं भी हरियाली हो गया, ऐसी जगह हो गया, पहाड़ हो गया और समुद्र हो गया, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप कुछ टाइम हम व्यतीत करते हैं, तो यहाँ पे 2 घंटे से अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से 2 रूट डिसाइड किए हैं, एक इधर से नागपुर होके आगे की तरफ, इधर से साउथ की तरफ, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम पड़ा है। हमें लगता है कि नागपुर होके पंचमढ़ी होके आगे बढ़ना चाहिए, उस काम को ध्यान में देखते हुए, अगर उसको ध्यान में न देखें तो हम यहाँ से महाबलेश्वर होकर साउथ बढ़ना चाहिए। हालांकि जर्नी तो इधर की भी होगी, लेकिन अब देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हो पाया, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के टाइम स्पेंड करें, जैसे हमें क्योंकि जैसे हमें पता चलता है कि क्या होता है तो उस हिसाब से हम डिसाइड करके आगे बढ़ें। खैर अब देख रहे हैं कि इधर तो निकलना तो पड़ेगा ना, टाइम यहाँ पे एक्सपेंड करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोग आए हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र में ये मंदिर है, गांव के इलाके में, बहुत बड़ा ये सब गांव इलाका है, सिटी नहीं पास में है, लेकिन देखिए एक मंदिर आपको दिखेगा। और यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, यहाँ पे गाड़ियों का पार्किंग बना है, यह टिन शेड वो पड़ा है और उधर पूरा निवास ट्रस्ट का वो बिल्डिंग है, पूरा रहने का सिस्टम है। आप गाड़ियाँ देखकर आप समझ सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए होंगे, बहुत कार हैं। उधर की अपनी जर्नी समाप्त करते हुए अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम नागपुर की तरफ, जो कि रोड पर निकल लिए हैं, अब लिफ्ट का वेट है, जैसे लिफ्ट मिलेगी आगे बढ़ते जाएंगे। काफ़ी टाइम में अब व्यतीत किए, दर्शन किए, घूमे फिरे, अच्छा लगा, बैठे थे हम काफ़ी तालाब के किनारे, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। धूप सीधा सर पर लग रही है, बहुत तेज़ अब धूप इधर लग रही है। दोस्तों यहाँ से हम नागपुर निकल रहे हैं, फिलहाल रोडों पर हम निकल चुके हैं नागपुर के लिए, अब लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लिफ्ट मिल गई, एक मिनट, लिफ्ट मिल गई कार में। उधर से जैसे ही हम दर्शन करके निकले मेन रोडों पर, तो 2 छोटी-छोटी लिफ्ट मिली, एक कार से एक बाइक से, उसके बाद एक डायरेक्ट हमें वहाँ से करीब 90 किलोमीटर की एक सीधे लिफ्ट मिल गई कार में। उस कार के माध्यम से हम आ गए हैं, ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है, समृद्धि नेशनल हाईवे इसको बोलते हैं। इसके नीचे प्रेजेंट में हैं हम, ऊपर आप पैदल नहीं जा सकते, नहीं बाइक जा सकती, नहीं थ्री व्हीलर, ओनली 4 व्हीलर जाते हैं और ऊपर ट्रक बस।
तो हम कोशिश करेंगे नीचे से हमें लिफ्ट मिल जाए और उनके द्वारा हम आगे नागपुर की तरफ बढ़े। फिलहाल इस समय टाइम हो रहे हैं 5 और हम यहाँ पे हैं। ओ लंबी लिफ्ट यहाँ की नहीं मिली होती तो शायद अभी उधर ही फंसे रहे होते, लेकिन 90 किलोमीटर की कार में लंबी लिफ्ट मिल गई है, उसके माध्यम से डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं समृद्धि हाईवे की तरफ। कोशिश यही रहेगी यार, मिल जाएगी तो हमारी जर्नी रात में कट जाएगी, नहीं तो कहीं लटकना पड़ेगा। खैर देखिए क्या होता है, जर्नी तो जारी ही है। समृद्धि नेशनल मार्ग जो कि एक्सप्रेसवे है, इस पर चढ़ने के लिए जो सर्कल में रोड गया है इस पर आ गए हैं। इस पर हम चाहकर भी यार पैदल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि आगे वो टोल प्लाजा है और वहाँ पे चचा लोग बैठे हैं, चचा लोग जाने नहीं देंगे। दरअसल रूल ही है सरकारी यार, यहाँ पैदल बाइक और थ्री व्हीलर नहीं जा सकते आप। तो यहाँ पे फोर व्हीलर का वेट है, मतलब लिफ्ट का, जैसे लिफ्ट मिलेगी वैसे आप बढ़ेंगे, यहीं पर खड़े होकर वेट करेंगे। चाहकर भी नहीं चल सकते पैदल भी यार। 5 बजे का खड़े खड़े टाइम हो गया है, 6:15 यानी कि 1.25 घंटा हो गए, हमें लिफ्ट नहीं मिली। वो पुणे की तरफ से रोड आ रहा है, टर्न होके जा रहा है नागपुर, उस साइड से नहीं मिली। तो अब जो नासिक की तरफ से आ रहा है ये टर्न होके जा रहा है नागपुर, अब इस रोड पे चले आए हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लिफ्ट बहुत कम मिल रही उम्मीद लग रही है। इसका रीज़न ये है कि ये लोग जानते हैं कि इस रोड पर जो बंदा आएगा वो लंबा जाएगा, तो इसलिए हो सकता है अब जो भी हो लिफ्ट बहुत कम। देखिए क्या होता है, अब हमें लग रहा है यहीं पे नाइट स्टे करना पड़ेगा, हमें तो ऐसा लग रहा है। खैर कोशिश है, अभी करीब 2 घंटे तक रोड पे खड़े होकर हमने लिफ्ट का वेट किया, लिफ्ट मांगते रहे लेकिन लिफ्ट नहीं मिली। एक लिफ्ट मिल रही थी सीढ़ी के लिए, तो वो हम सोचे कि आधे रास्ते अब नहीं लिए बाकी, और उसके बाद कोई लिफ्ट हमें मिली नहीं। 7:15 हो गए तो अब सोचे क्या करें। तो फिर यहाँ पे साइड में होटल है, इस होटल का क्या नाम है भैया? तो रोड के साइड में ये चौधरी ढाबा है, तो यहीं पे हम इस होटल की, देखिए ये है मालिक भैया जी, अपना बैठ कर कुछ हिसाब कर रहे हैं। ये रहे, आप हरियाणा से हो क्या? हरियाणा से हो क्या? नागौर डिस्ट्रिक्ट से हो? ये राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी लैंग्वेज हल्की हल्की हमें हरियाणा जैसी लगी, तब मैं आपसे पूछा। तो फिलहाल इनसे हमने बात किया कि अंधेरा हो गया सर, आप इजाज़त दो तो आपके यहाँ बाहर ही, हम तब की बात की बाहर ही ठहर जाएंगे, खाट पड़ी थी बाहर ही। तो बोला कि नहीं बाहर आप क्यों ठहरोगे, अंदर रहने की व्यवस्था उन्होंने दे दिया और साथ साथ खाने का मेरा इंतजाम भी कर दिया। तो आज की रात इस चौधरी ढाबे में ठहरे हैं दोस्तों। अब कोई अगर मिल भैया कहीं अगर कोई व्यवस्था बन जाएगी तो भिजवा भी देंगे, नहीं तो फिर सुबह निकलेंगे, देखिए क्या होता है। तो जर्नी जारी है यार, प्यार आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है काफ़ी। दोस्तों फिलहाल भैया ने खाने की व्यवस्था कर दिया, और देखिए शायद ये हम लेते तो हमें काफ़ी महंगा भी पड़ता, लेकिन देखो भैया ने राइस प्लेट देखो लगवा दिया, ये दाल है, ये कौन सी सब्जी है? सेव टमाटर की सब्जी है। अब देखो दोस्तों शायद हमारे लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिलहाल भैया जी का और यहाँ के स्टाफ लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया लोग कुछ अंदर देखिए, इधर भैया फिलहाल यहाँ के स्टाफ लोगों का और चौधरी ढाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों खाना वाना खा कर मस्त रेडी हो गए हैं, रहने का स्थान भी मिला है, देख सकते हैं गद्दा है, रजाई है, बैग बगल में रखे हैं, बोर्ड भी है फोन चार्जिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्त अब यहीं पर आराम करेंगे, अब सुबह ही जल्दी करेंगे। तो आई होप हमारी जर्नी आपको पसंद आ रही हो, और दोस्तों वीडियो वायरल करो यार, वीडियो वायरल नहीं हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है यार, वायरल करो, दबा के लोगों के पास शेयर करो। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कौन सा पार्ट लगा और आप कहां से हो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहां तक जा रही है। तो चलिए दोस्तों चलते चलते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय माता दी।